जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये है मेरा फुल डे जन्माष्टमी के दिन का, पूरा दिन का ब्लॉग। क्या क्या किया मैंने आपको मैं दिखाती हूँ आगे। और ये है मेरा लड्डू गोपाल जी का, ये देखिए सरप्राइज गिफ्ट जो मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बताया था कि मेरा जो खाना जी हैं लड्डू गोपाल जी, उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने वाली हूँ और वो आ गया है। पहले लेने गए थे तो मुझे पसंद नहीं आया था, तो ये मैंने ऑर्डर दे करके दूसरा मंगाया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो ये है उनका बर्थडे का गिफ्ट, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। मतलब एक बार में ही इतना सुंदर पसंद आ गया कि बस आप पूछे ही मत। उससे पहले हमने ये वाला पसंद किया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था और थोड़ी सी डिफरेंट कलर में और डिज़ाइन में डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी बताइए कि आप कैसा लगा आपको ये जो पालना है। तो एक दिन पहले ही मैंने जन्माष्टमी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, थोड़ी सी डेकोरेशन भी की थी और थोड़ी सी मैंने खाने वाने का तैयारी करी, तो काफ़ी सारा काम होता है। तो एक दिन पहले ही मैंने मावा बना लिया घर पर के, 2 किलो दूध लेकर के बना लिया था। तो ये मैंने उसके लिए ड्राई फ्रूट लिए, जो हम जो भोग के लिए बनाते हैं ना, मेवा का जो पाक बनाते हैं, इसी से ही जो हमारे कान्हा जी हैं उसका भोग लगा जाता है। और इतना टेस्टी जो प्रसाद बनता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट ले लिए, मावा ले लिया है 2 किलो दूध का, कम से कम 500 ग्राम बन गया था मावा। तो अब मैं देसी घी डाल करके सारे जो ड्राई फ्रूट हैं उनको पहले हल्का हल्का भून लूँगी। तो मैंने बादाम भून लिए, काजू भून लिए, और ज़्यादा नहीं भूना, हल्का हल्का, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और सबको भून करके एक बड़ी परात में इनको निकाल लूँगी। तो मेरे ये काजू भून गए और ये मखाने हैं, मखान को भी इसी तरह से भून लेंगे। और ये जो प्रसाद बनता है ना, इतना टेस्टी लगता है। और ये कहते हैं कि हमारे जो कान्हा जी लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोग जो प्रसाद है, इसी का भोग लगता है। और एक दूसरा वाला बनता है, उसमें मावा नहीं डलता है, खाली नारियल ड्राई फ्रूट वगैरह और ये मखाने के हिसाब से बनता है। तो दो तरह के जो विशेष होते हैं, पंजीरी होती है, इन तीनों चीज़ों का है प्रसाद ज़रूर ही लगाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। तो मैंने इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डाल दिया है, और अब इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा गोंद लिया है आधा कटोरी, उसको फैला लूँगी। तो उसको मैंने सिम आँच पर ही अच्छे से, थोड़ा गुलाबी हो गया तब तक अच्छे से भून लिया है। और बहुत ज़्यादा गैस पर नहीं करना है इसको, सिम गैस पर ही इसको भूनना है इस तरह से। और इसको भी मैं निकाल लूँगी, बारात में ही निकाल लूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, उसको डालने से अच्छा टेस्ट भी बढ़ जाता है। और हमने तो शुरू से ही मम्मी वगैरह को जब देखा बनाती हुई, जब भी जन्माष्टमी आती थी तो यही बनाती थी सारा जो भोग वोग है, नारियल का और इस मावा वाला और पंजीरी, तो उसी तरह से मैं भी करती आ रही हूँ। तो मैंने मगज़ के बीज भी इसमें भून लिए अच्छे से, वो भी मैंने परात में निकाल ली। तो अब इसके लिए बनाते हैं चाशनी। तो जितना मावा था उतनी मैंने शक्कर लेकर के और आधा कटोरी पानी डाल दिया इसके अंदर, और इसके अब चाशनी बना लेते हैं। और इसके लिए काफ़ी गाढ़ी चाशनी लेते हैं हम इसके। और ये देखिए मैं सारे मिक्सी में पीस लिए हैं और थोड़े दरदरी ही पीसने हैं, और गोंद को कटोरी से इस तरह से हल्का हल्का क्रश कर लेंगे। तो देखिए बातों ही बातों में मेरी चाशनी बन गई है, और आप इसको चेक कर लेंगे हाथ से इस तरह से। और इसमें मैंने मावा डाल दिया, मावा को अच्छे से इसको गाढ़ा करेंगे। और चाशनी को अगर आप हाथ से नहीं कर पाते हो, काफ़ी गर्म होता है, तो कटोरी में पानी में डालकर भी कर सकते हो। अगर वो खट्टा हो रहा है तो मतलब हमारी चाशनी परफेक्ट तैयार हो गई है। तो इसको अच्छे से हम गाढ़ा कर लेंगे मावे को।
और जो हमने पीस करके रखा था दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। सारे ड्राई फ्रूट और मखाने वगैरह, गोंद, मगज, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे और इसको जो गैस है थोड़ा कम कर देंगे और उसको बराबर चलाते जाएंगे। और तब तक चलाना है जब तक कि पूरा इकट्ठा ना हो जाए, थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और ये देखिए हो गया हमारा तैयार। इसको एक प्लेट में फैला दिया इस तरह से, कटोरी में एक लगा करके मैंने इसको। तो देखिए एक हमारा हो गया प्रसाद तैयार। और अब हम दूसरा बनाती हूँ, ये मेरे नारियल और मखाने का, ये दूसरा वाला है। तो पहले सबसे पहले मखाने भून लेंगे। ये भी बहुत टेस्टी लगता है और अच्छे से भून करके, ताकि जब अच्छे से क्रश हो जाए, चेक कर लेंगे तोड़ करके। और अच्छे से भूनने के बाद गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद हम नारियल को भून लेंगे। नारियल को बहुत ज़्यादा नहीं भूना, हल्का सा भून करके उसको हम परात में निकाल लेंगे। और अब इसकी चाशनी बनाते हैं। इसकी चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, इसकी चाशनी हमें सिर्फ एक तार की ही बनानी है। जैसे ही एक तार की चाशनी तैयार होती है चेक कर लेंगे। और जो हमने सारा मखाने और नारियल लिया था उसको हल्का सा पीस लेंगे मिक्सी में और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो पहले चाशनी बना लेते हैं और तब तक दूसरी तरफ मैं उसको मिक्सी में पीस लूँगी। और अब डाल दी इलायची। इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई और बस फटाफट से जो सारा मिश्रण है उसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह का पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। उसको चलाते हुए फटाफट और गैस को बंद कर देंगे। बस हमारा ये तो मुश्किल से 10 मिनट में बिल्कुल ठंडा हो जाता है। बस वहीं टू एंड इसमें कट लगा देंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और फटाफट से निकल भी जाता है, 15 मिनट बाद ही इसको आप निकाल लीजिए, सारे पीसेस के आ जाते हैं। तो ये देखिए जो मैं मार्केट से लेके आई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे खाना जी के लिए क्या क्या गिफ्ट लेते हैं। ये हमारे खाना जी का बर्थडे गिफ्ट है। ये है उनकी सखियाँ, अष्ट सखी जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारी सखियाँ हैं, जैसे राधा जी हैं और सबके नाम लिखे हुए हैं। और इसमें अटैचमेंट भी है खड़ा करने के लिए और बड़ी ईजिली खड़े हो जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर है। देखिए ये देखिए मैं दिखाती हूँ। और सबके नीचे के नाम भी लिखा हुआ है और बहुत ही प्यारी हैं, डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। और ये तो उनकी सखियाँ हैं, तो सबसे बड़ा गिफ्ट है ही उनके लिए। तो आज मैं स्पेशल उनकी बर्थडे के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट, एक तो ये लेकर के आई थी और एक ये पालना तो है ही, बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो सखी है उनके पीछे लगाने के लिए अटैचमेंट है। और इसको रखती हूँ साइड में। ये दिखाती हूँ मैं आपको हमारे लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा पालना। ये देखिए कैसा लगा आपको। बस हमारे लड्डू गोपाल जी को देख करके इतने खुश हुए कि बात पूछे ही मत। बस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और इसमें लगाने के लिए जो इसकी तो है ना साइड में लगाने के लिए होता है अटैचमेंट, वो निकाल करके दिखाती हूँ। अभी तो पैक करे हुए हैं तो मैं इसको कैंची से काट के दिखाती हूँ। और ये जो ऊपर का जो डिज़ाइन है ना पिकॉक वाला, बहुत ही सुंदर है। जो पहले मैं गई थी जब इनका जो बर्थडे था 17 सितंबर को निकला है, तो मैंने ब्लॉग भी आपको शेयर किया था, तो तब मैं नहीं लेके आई थी। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और उनकी ड्रेसेस वगैरह तो लेके आ गई थी, लेकिन मेरा जाना ही नहीं हुआ। अच्छा हुआ मैंने तब नहीं लिया। और उसके बाद मैंने अब ये लिया ना, तो ये ज़्यादा अच्छा, मतलब ऑर्डर दे के बनवाया है तो अच्छा भी है और बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसकी, ये देखिए कितना खूबसूरत है इसका कलर डिज़ाइन।
और इतनी इससे अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता था, स्पेशल जन्माष्टमी के दिन ये इनको मिला है। और थोड़ी सी मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, और कुछ बाकी की मैंने जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन डेकोरेशन कर ली थी। तो ये देखिए, ये अष्ट सखियाँ और हमारा नंद भवन, काफ़ी सारी डेकोरेशन फ्लावर्स वगैरह से बैकड्रॉप में, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये हमारी मक्खन की मटकी, ये हमारी गौ माता, मतलब एक गांव का सीन क्रिएट किया था। बहुत प्यारी झांकी बनी थी इनकी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये झांकी कैसी लग रही है। कोशिश की है मैंने कुछ एक अच्छा सा सीन क्रिएट करने की। और चारों तरफ कितनी, मतलब इतनी खुशी होती है जन्माष्टमी के दिन, चारों तरफ वही प्रसाद की खुशबू। ये देखिए कितना सुंदर है, दिन भर का तो वही रूटीन, सुबह जो नहलाया था रात उनको वही खाना वही भोजन, लेकिन शाम को जैसे आरती करने के बाद उनका जन्म कराते हैं उसको, उनको फटाफट से हमने चौकी लगाई और एक दीप प्रज्वलित करा। वही मैंने लिया है कांसे का, उनको पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया, इसी में मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो इसमें मैंने इस तरह से साठिया बना करके इस तरह से फूल डाले हैं, और आसन दे करके दीपक प्रज्वलित किया है पहले। और अब हम इसमें हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका जन्म कराएंगे। जो भी फ्रूट आप लेकर के आए हैं, ये मैंने अनार है, केले हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें खीरा होता है। खीरा भी ऊपर जो उसमें डंडी लगी हुई होती है वो वाला, कहते हैं कि वो वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो भी आप फ्रूट लेके आए हैं बहुत सावधानी से उनको इस तरह से रख देंगे, और इसी में हम फल और फूलों में उनकी जो जन्म है उसको करवाएंगे। अब मुझे बाद में याद आया, जल्दी जल्दी मैं भूल गई थी, ये सब बच्चे हंस रहे थे देख कर के, देखिए कान्हा जी है ना लंगूटी पहन करके पैदा हुए हैं, चढ़ उतरना भूल के, वह बात ही हमारे मॉडर्न कान्हा जी हैं। ये देखिए जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो ये हमारा जो मैंने है उनकी थाली लगाती है, जो उनको भोग लगाना है रात को। तो मैंने आप ये देखिए क्या क्या बनाया है, ये मैंने आपके साथ अभी मैंने रेसिपी शेयर की थी, जो नारियल का पाक बनता है, मक्खन तो हमारा कान्हा जी का है ही प्रिय, और ये बनाया है मावा पाक, और ये है चिप्स, ये साबुदाने की टिक्की। और अब हमको 12 बज गए हैं, उनको उठा करके स्नान कराते हैं। तो ये जो फल फ्रूट थे उनको उठा करके एक साइड में रख दिया है, उनको आप प्रसाद के तौर पर किसी को दे भी सकते हो, या आपस में सबको सुबह दे सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं इसका। और अब उनको हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, पहले दही से कराया है, अब शहद से करा रहे हैं, और देसी गाय का जो घी होता है उससे। इस तरह से हम उनको स्नान कराएंगे, और गंगा जल पूरे पानी में ऐड कर लिया था, थोड़ा सा एक अलग से भी गंगा जल लिया था, उसको भी हम उनसे नहलाएंगे। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर हमारे कान्हा जी। और सुबह सुबह जो मतलब दो बार स्नान कराते हैं जन्माष्टमी दिन, एक रात को 12 बजे, और सुबह जो आप रूटीन में जैसे दिनचर्या होती है वैसे ही करते हैं। तो ये मैंने ये देखिए इनकी जैसे बोलते हैं ना नाल काटते हैं, तो वो उसको अलग रख दिया है। वो सुबह हम तुलसा जी के जो मिट्टी है अंदर गमले में गाड़ेंगे। तो ये देखिए उनका श्रृंगार चालू हो गया है। अब उनको पहुँच करके इनकी पोशाक बना दी है, ये देखिए बहुत इतनी प्यारी है, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी एक ब्लॉग में जब मैं इसको लेकर के आई थी। और अब उनका जो ज्वेलरी है मैचिंग की वो बनाते हैं।
ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे, और बड़े आराम से करवाते हैं श्रृंगार, कोई परेशान नहीं करते। ये देखिए आराम से बैठे हुए हैं, और ये देखिए बैठा दिया उनको, और नज़र का टीका ज़रूर लगाएं इनके। और उनकी जो श्रृंगार है पूरा कर दिया है, और इनकी नई नई बांसुरी बहुत ही प्यारी है। और अब उनकी नज़र उतारते हैं, उनके तीन बार नज़र उतारेंगे मोरपंख से, ताकि उनको नज़र ना लगे। इतने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और अब उनको उनकी आरती करने के बाद अब उनको माला पहनाएंगे। और उनको झूला झुलाएंगे, और सभी ने वन बाय वन हमने झूला झुलाया, बच्चों ने भी हमने भी सब ने, और आरती गई और सब ने भोग लगाया जो भी हमने बनाया है प्रसाद उनके लिए। और इसी तरह से मतलब कई सालों से जैसे हम करते आ रहे हैं, बस वही रूटीन है जो हमारी मम्मी के यहाँ देखा था, वही प्रसाद में। और दिन भर व्रत रहता है, दिन भर रात को बस इसी का भोग लगा करके सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं हम, मतलब हमारे यहाँ तो यही रूटीन है। और अन्न वगैरह नहीं खाते इस दिन, जितना हो पाता कर लेते हैं। और ये देखिए कितने प्यार से झूला झूल रहे हैं हमारे पालने में, नए नए पालने में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये आपको पालना कैसा लगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए कहते हैं ना कोई चीज़ मिली है इंतज़ार से, लेकिन बहुत अच्छी मिली। और ये है सेकेंड डे हमारे यहाँ, इस तरह से 15 बार बांधते हैं जैसे जन्म होता है ना बच्चे का। तो ये एक तो मैंने झूले पे बांध दी उनके, और एक मैंने जो हमारा मेन एंट्रेंस होता है एक वहाँ बांध दी थी। सुबह सुबह मॉर्निंग में बैठे हुए हैं हमारे ये नाइट सूट पहन के, राधे राधे। और आपको ये मेरा ब्लॉग जन्माष्टमी ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।